तो हेलो दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। तो आज का ये ब्लॉग है, मेरे घर में है मेरे नए घर का गृह प्रवेश। तो गृह प्रवेश की पूजा होने जा रही है, तो उसी के ऊपर मैंने एक ब्लॉग बनाया है। तो आप सबको भी ये ब्लॉग कैसा लगेगा तो लाइक और कमेंट करके जो बताइएगा। तो सबसे पहले देखिए, सुबह के 5 बज चुके हैं, मैं आपको घड़ी में दिखा टाइम भी दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले जो कि आप मेरे डेली रूटीन जो मेरी है, मैं अपने ठाकुर जी को, अपनी राधा रानी को स्नान करके उनका श्रृंगार करके बिठा देती हूँ। तो अभी सबसे पहले सुबह सुबह मैं अपने लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करने जा रही हूँ, उनको स्नान करने जा रही हूँ, क्योंकि सबसे पहले मैं अपने नए घर में अपने लड्डू गोपाल जी को ही लेके जाऊँगी। तो देखिए, मैंने अभी अपने लड्डू गोपाल जी को, अपने केशु बाबू को स्नान करा दिया है, उनका श्रृंगार कर दिया है अच्छे से, उनका प्यारा सा सुंदर सा बहुत सुंदर रूप श्रृंगार किया है, और उन्होंने बहुत सुंदर सा श्रृंगार भी करवाया अपना। तो अभी तो हम मेरे लड्डू गोपाल जी के दर्शन कर रहे हैं, और ये मेरे छोटा सा बाबू, मेरा लड्डू बाबू, और ये भी तैयार हो गए है। और अब मैं कर देती हूँ दिया बाती। तो ये अभी मेरी सुबह की जो पूजा का मेरा डेली रूटीन है। तो वैसे भी आज बहुत स्पेशल दिन है मेरे लिए, बहुत खास दिन है। तो मैं अपनी राधा रानी, अपने ठाकुर जी को तैयार करके बिठा दिया है, बाद में इनको भी हम अपने घर की पूजा में, नए घर में इनॉग्रेशन में लेके चलेंगे। तो ये मैंने अभी दिया प्रज्वलित किया है अपने ठाकुर जी के, राधा रानी के श्री चरणों में। आप सब भी मेरी राधा रानी, ठाकुर जी के श्री चरणों का आशीर्वाद लीजिए, और फिर हम मैं तैयार होने जाऊंगी, क्योंकि मुझे तैयार भी होना है। अभी बहुत काम बाकी है, गेस्ट भी आ रहे हैं, और गेस्ट आ चुके हैं, कुछ मेरे इन लॉज फैमिली, कुछ मेरे घर वाले, तो बहुत सारा काम बाकी है। तो ये मैंने अभी पूजा अपनी समाप्त की है, और साथ में शिवलिंग पे भी थोड़ा सा जल, क्योंकि आज सोमवार है, सोमवार के दिन मैंने अपने शिवलिंग पे डेली जल चढ़ाती हूँ। तो डेली जल चढ़ा के मैंने अपनी पूजा का जो नियम है वो पूरा किया। पूरा करने के बाद अपने घर का जो इनॉग्रेशन का तैयारी करनी है उसमें मैं जुट जाऊँगी। तो अभी आप मेरे ठाकुर जी, मेरी राधा रानी के सुंदर से, प्यारे से, उनके स्वरूप के दर्शन कीजिए, क्योंकि इनके दर्शन किए बिना मेरा हर काम अधूरा है। क्योंकि आप मेरे दूसरा चैनल जो किशोरी कृपा जी का चैनल है, जो इन्हीं का चैनल है, उसमें आप मेरे डेली इनके श्रृंगार वीडियो देखते रहते हो। तो ये मेरा पर्सनल ब्लॉग है, जो पर्सनल मेरी डेली रूटीन जैसे भी होती है उसी के ऊपर ये ब्लॉग्स आपको दिखा रही हूँ। ये मेरे साथ में मेरे लड्डू बाबू, केशु बाबू बैठे हुए हैं, और मेरी राधा रानी, मेरी श्यामा प्यारी। तो सभी को इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने इनॉग्रेशन की तैयारी करने। तो इसी के साथ अब आप देख सकते हैं, मैं नहा तो मैं ऑलरेडी पहले से ही ली थी, तो मैंने अब श्रृंगार कर लिया है, साड़ी पहनी है, बहुत सुंदर सी मैंने कांजीवीरम साड़ी पहनी है, जो मुझे बहुत पसंद है ये कांजीवीरम साड़ी। और साथ में मैंने ज्वेलरी और मेहंदी और थोड़ा सा श्रृंगार किया है, क्योंकि अभी पूजा होने वाली, तो पूजा के टाइम पर साड़ी ही पहनी जाती है। तो अभी के मैं आपको बोलना चाहती हूँ, अभी हम अपने नए घर में चलेंगे, मैं अपने नए घर में थोड़ी सी जो साफ सजावट हुई है, पूजा की तैयारी कैसे है वो सब आपको दिखाती हूँ। तो चलिए, तो अभी देखिए मैं गाड़ी में बैठ चुकी हूँ, तो अपने घर में, मतलब नए घर में, जो कि मेरे ठाकुर जी का, राधा रानी का घर है, वहाँ पे पहुँच चुकी हूँ। तो अभी आप देख रहे हैं थोड़ी सी साफ सजावट की हुई है मेरे नए घर में। तो साथ में आप देख रहे हैं ये मेरा प्यारा सा सुंदर सा मेरा ठाकुर जी का घर, जिसका अब आज हम गृह प्रवेश करने जा रहे हैं। तो ठाकुर जी भी इस घर में बहुत जल्दी आने वाले हैं। तो इसी के साथ आप सामने में देख रहे हैं, ये मेरी प्यारी सी ननंद है, जिसका नाम आयुषी है। तो वो अपने भैया भाभी का, मतलब मेरा और भैया इनका वेलकम करने के लिए सफाई कर रही है बेचारी। तो कब से बोले जा रही है, भाभी जी मैं रिबन कटवाऊंगी तब आप घर में प्रवेश करना। तो इसी के साथ मैं अब कार से उतर गई हूँ, ये मैं अपने सिर पर एक दुपट्टा ले रही हूँ, और साथ में मेरा केशु बाबू, मेरा लड्डू जी मेरे हाथ में है, क्योंकि इनके बिना मेरा हर काम अधूरा है। तो अभी मैं अपने सिर पर कलश रखने वाली हूँ, तो ये मेरी प्यारी सी मेरी ननंद ने मेरे हाथों में कलश पकड़ाने जा रही। तो देखिए, ये बहुत प्यारे तरीके से मैंने ये अपने सिर पे कलश रखा था, और इन्होंने लड्डू जी को थाम रखा था, और साथ में मेरा प्यारा सा बेटा भी है, तो वो भी साथ में ही आज हम एक साथ अपने घर में, नए घर में, अपने ठाकुर जी के घर में प्रवेश करेंगे। तो आप सब भी मुझे ढेर सारी शुभकामनाएँ और बधाई दीजिएगा। तो आप देख सकते हैं किसी के साथ पंडित जी हम कुछ मंत्र पढ़ के, उच्चारण करके हमें घर में गृह प्रवेश कराएंगे। पर एक साथ इसके साथ एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ, फर्श इतना गर्म था कि खड़ा नहीं होया जा रहा था, पर फिर भी जैसे कैसे करके हम वहाँ पे खड़े रहे थोड़ी देर के लिए, और गृह प्रवेश किया अच्छे से, और बहुत सुंदर हमारा ये फंक्शन भी हुआ है, बहुत मतलब मन लगा है, और घर में एक पॉजिटिविटी थी कि मन लग रहा था पूरे घर में, और बहुत
अच्छा लगा, पूरे परिवार ने मिल के मतलब घर में प्रवेश किया सब कुछ। तो अभी पंडित जी थोड़ा सा मंत्र उच्चारण कर रहे हैं और हमें गृह प्रवेश करवा रहे हैं, और फिर हम धीरे धीरे करके अपने घर में प्रवेश करेंगे। आप सब देख सकते हैं अभी पंडित जी हमें टीका लगा रहे हैं और मेरे ठाकुर जी को और मुझे भी साथ में। ये मेरा प्यारा सा मेरा बेटा जिसका नाम अर्जित है, तो अभी ये 8 ईयर्स ओल्ड है। तो अब हम ये मेरी प्यारी सी ननद हमें बोलेगी कि भैया रिबन काट दो, कि बिना रिबन कटवाए। और मैं भूल गई, अपनी प्यारी सी ननद को थोड़ा सा नेक देना चाहिए था, तो पर क्या करते हैं, होता है ना कि जब बिजी होते हैं कुछ काम सिर पे लगा होता है तो कुछ ना कुछ तो भूल ही जाते हैं। तो रिबन काटते वक्त उसको नेक भी नहीं दिया और याद भी नहीं रहा। और ये हमने फिर मिल के तीनों परिवार ने, मेरे बेटे ने और इन्होंने सबने मिल के रिबन काटा और सबने बहुत अच्छे से वेलकम भी किया। ये मेरी पूरी इन लॉज फैमिली है, तो मैं मेरी एक्चुअली तीन सास है बस सभी बहुत प्यारी हैं, तो सभी बहुत प्यार करती हैं मुझे, ऐसा नहीं है कि कोई भी। और मेरी एक चाची है और वो भी बहुत प्यार। तो अब हम फाइनली घर में प्रवेश कर चुके हैं और अब मैं अपने घर में प्रवेश करने जा रही हूँ। और ये मेरा प्यारा सा सबने बच्चों ने मिलके वेलकम किया हमारा, पूरा अच्छे से डेकोरेट किया, वेलकम बना के वो फूलों से सजाया बहुत प्यार से। और इसी के साथ पंडित जी ने कलश थाम लिया है, उनको वो पूजा स्थल पे रख देंगे। और देखिए अब मैं आपको छोटा सा व्यू अपने घर का दिखा रही हूँ। ये मेरा छोटा सा प्यारा सा मेरे ठाकुर जी मेरी राधा रानी का घर है, तो ये अभी आपने एक छोटा सा क्लिप देखा है। तो ये सब मेरी फैमिलीज खड़ी हैं। तो क्या होता है कि जब पूजा होती है, जब कोई फंक्शन होता है, तो खुद को तो होश होती नहीं है, तो फिर भी मैं बीच बीच में बताती रहूँगी आप सबको कौन क्या है। साथ में ये पंडित जी हमारी पूजा की तैयारी कर रहे हैं और मेरे लड्डू गोपाल जी, साथ में मेरे प्यारे से एक लड्डू गोपाल जी और बैठे हुए हैं, वो मेरी सास के हैं और बहुत प्यारे से उन्होंने सजाया भी है उनको, बाल गोपाल जी को। और लड्डू जी तैयारी कर रहे हैं। ये मेरी एक और प्यारी सी दूसरी ननंद है जिसका नाम टीना है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने घर का थोड़ा सा व्यू, मतलब घर के थोड़े से आपको घर दिखाती हूँ, थोड़ा सा घर के कह लीजिए दर्शन दिखाती हूँ। और सबसे पहले ये है हमारा ड्राइंग रूम और इसी के साथ है लेफ्ट साइड हमारी किचन। और ये किचन का छोटा सा व्यू, बहुत प्यारी सी किचन है, सबको स्पेशली किचन बहुत पसंद आई है। और ये हमारा लॉबी एरिया और ये लॉबी के बिल्कुल फ्रंट साइड स्टेयर्स है ऊपर, मतलब थ्री बेडरूम्स ऊपर भी है और ये ऊपर अप स्टेयर का बेडरूम्स है और नीचे दो बेडरूम है। और हर बेडरूम में हमारा वॉशरूम अटैच है। ये ऊपर जाने का रास्ता जो कि स्टेयर्स है, अभी रेलिंग का काम बाकी था पर हमें मुहूर्त करना था इसलिए रेलिंग हमने पोस्टपोन कर दी। रेलिंग अभी जब हम शिफ्ट हो जाएंगे तब धीरे धीरे करवाते रहेंगे, क्योंकि काम तो चलता रहता है, काम कभी ख़त्म नहीं होता। ये अपस्टेयर है और हमारी स्पेशली जो ड्राइंग रूम है, ये मेरे बेटे का रूम है जो उसको बहुत पसंद है। और साथ में ड्रेसिंग रूम और अटैच वॉशरूम है। और ये फॉल सीलिंग बहुत प्यारी, जो कि मैंने अपनी पसंद से करवाई थी फॉल सीलिंग, पर बेटे को पसंद नहीं आ रही, पर जैसे कैसे मना लिया उसको। और ये है हॉल एरिया जो स्पेशली मुझे बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट पार्ट है। तो यहीं पर सब कह लो कि फाइनली हमारा ऑल टाइम मेरा यहीं बीतने वाला है, क्योंकि ये पूरी डबल हाइट लॉबी है जो ऊपर खड़े होकर नीचे का व्यू बहुत सुंदर दिखने वाला है ड्राइंग रूम का। और ये हमने जो विंडो रखी है बहुत, मतलब खुली विंडो, वेंटिलेशन के लिए खुली विंडो रखी है। और ये साथ में टू बी एच रूम एक्स्ट्रा है जो हम अभी रेंट पर्पज़ के लिए सोचा है, बाकी देखेंगे इन फ्यूचर हमें यूज़ करना होगा तो हम भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये छोटी सी किचन दी है, साथ में वॉशरूम बनाया है और बहुत प्यारा सा दो रूम अटैच किए हैं। और ये फाइनली आप देख सकते हैं बाहर बालकनी है और ये ऊपर जाने का रास्ता है, मतलब टेरेस पे। और ये पूजा स्थल पे हम वापस आ चुके हैं। तो अब फाइनली मैं पूजा की तैयारी करने वाली हूँ और अभी किचन में जो चूल्हा पूजन होता है वो भी हम करेंगे। तो अभी पंडित जी मेरे हाथों से चूल्हा पूजन करवाने वाले हैं, तो अभी हम चूल्हा पूजन करेंगे क्योंकि उसके बाद ठाकुर जी के लिए भोग की तैयारी की जाएगी, भोग बनेगा। तो अभी पंडित जी चूल्हा पूजन की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कहते हैं ना अग्नि और जल और वायु की पहले पूजा की जाती है। तो हम अग्नि देवता को पहले बुलाएंगे तो उनकी पूजा करेंगे कि ताकि हमारे घर में सुख समृद्धि सुख शांति सब कुछ बनी रहे और अन्नपूर्णा हमारे किचन में हमेशा भरपूर भंडार में स्थापित रहें। तो इस तरीके से हम अपने घर में अन्नपूर्णा माता का भी पूजा करते हैं। तो सबसे पहले किचन में अन्नपूर्णा माता की पूजा की जाती है। तो अभी पंडित जी पूजा कर रहे हैं तो फिर हम प्रसाद बनाएंगे।
इसी के साथ आप देख सकते हैं मैंने कढ़ाई रख दी है। अभी हम बनाएंगे भोग यानी कि हलवा। ठाकुर जी को हलवा का सबसे पहले मिष्ठान ही बनाया जाता है अपने पहले गृह प्रवेश में, तो मिष्ठान का भोग लगाया जाए। मैंने चूल्हा मतलब एक तरह कह लीजिए अग्नि प्रज्वलित कर दिया, क्योंकि अग्नि सबसे पहले अग्नि देवता को बुलाया जाता है, तो वो पंडित जी ने बोला था मेरे हाथों से उन्होंने करवा दिया था। बाकी का भोग प्रसाद मेरी सास ने बनाया था, तो उन्होंने ही बनाया सब प्रसाद वगैरह। तो इसके बाद में क्योंकि मैं पूजा में बैठ गई थी, पूजा आगे की पूजा जो करनी थी तो वो सब मैं करने जा रही थी। तो इसी के साथ मैंने इनके साथ अपनी आगे की पूजा की। ये हमने पूजा करने के बाद बाकी की जो भी रीति रिवाज होते हैं पूजा करने के बाद हवन, लास्ट में हवन होता है, तो हवन किया। हवन हम दोनों ने किया क्योंकि बाकी सब फैमिली मेम्बर्स ने कुछ कुछ खा लिया था, तो जो भूखे थे उन्होंने हवन में सामग्री डाली थी, जो नहीं तो इसलिए हम दोनों ने ही हवन किया। और इसी के साथ ये हमने फिर नारियल जो कि गृह प्रवेश पे फोड़ा जाता है मुख द्वार पर, तो वो सब किया। फिर उसके बाद आरती की, सब परिवार ने मिलजुल के बहुत अच्छे से परिवार ने आरती की, ठाकुर जी की आरती की, हमारी लक्ष्मी नारायण की आरती की गृह प्रवेश पे, कि हमारी सुख समृद्धि बने रहे। बहुत अच्छे से ये कह ली कि बहुत अच्छे से पूजा हुई, बहुत अच्छे से पूजा संपन्न हुई, बहुत अच्छे से मतलब प्रसाद बना, सब ने बहुत अच्छे से प्रसाद और भोग भी खाया। उसके बाद मुझे कंजक वैसे नहीं मिली थी, तो मैंने कंजक थोड़ी सी ऐसी घर में जो तीन कंजक आए हमारी अपनी थी उनको ही मैंने भोग लगा के कंजक पूजन कर दिया था। तो इस तरीके से देखिए हमने पूजा अपने घर की गृह प्रवेश की पूजा स्वयं, और इसी के साथ सबने एक एक करके पूरे परिवार ने ठाकुर जी हमारे लक्ष्मी नारायण की आरती भी की, तो सब एक एक करके जोड़ा समिताते रहे और सब आरती करते गए, और आरती का हमने खूब आनंद भी लिया। तो इसी के साथ मुख्य द्वार पे एक बंदरवाद बांधा जाता है, कहते हैं लड़कियों के हाथ से बंधवाना चाहिए, तो ये मेरी ननंद है प्यारी सी, तो उसने अपने हाथों से ये आम के पत्तों का बंदर द्वार अपने मुख्य द्वार पे बांधा था, और एक ये झंडा जो छत पे लहराया जाता है। अब मैं आपको सबसे कहते हैं ना जो मेरी सबसे प्यारी और मेन चीज़ है तो वो दिखाने वाली हूँ, वो है एक सरप्राइज़। ये देखिए, तो ये है एक सुंदर सा, मैंने कहते हैं ना कि हम अपना नाम देते हैं अपने घर को, एक नेम प्लेट का नाम देते हैं, पर एक घर का नाम भी होना बहुत ज़रूरी होता है। तो जो सबसे प्रिय कहते हैं ना, सबसे मेरी प्यारी चीज़ जो है, मैंने इस घर को एक नाम दिया था, तो जो कि सबको पता है जैसे मैं अपने ठाकुर जी की सेवा करती हूँ, तो ठाकुर जी मेरे इस घर में वास करेंगे, तो जहाँ पे कहते हैं हमारे ठाकुर जी का वास हो, तो हमारे ठाकुर जी किस घर में वास करते हैं, वृंदावन में। तो इसीलिए मैंने स्पेशली इस घर को वृंदावन का नाम दिया है, जहाँ हमारे बिहारी जी हमारी राधा रानी वास करती है। तो उसके बाद शाम को मैं अपने ठाकुर जी राधा रानी को अपने घर में लेके आई थी, मतलब अपने घर में नहीं उनके घर में, तो मेरे ठाकुर जी राधा रानी वृंदावन में आ चुके हैं, तो बहुत प्यारे से सुंदर से उन्होंने श्रृंगार भी करवाया था, और आप सब देख सकते हैं ये श्रृंगार उन्होंने इतना सुंदर इतना मनमोहक श्रृंगार करवाया था कि इनसे मेरी खुद ही नज़रें नहीं हट रही थी। बहुत प्यारा और बहुत सुंदर श्रृंगार मेरी श्यामा प्यारी ने और मेरे श्याम सुंदर ने, मेरे बाके बिहारी जी ने श्रृंगार करवाया था। इनके बिना कहते ना मेरा हर काम अधूरा है, इनके बिना सब कुछ ऐसा लगता है कि जीवन में कुछ, हर दिन ऐसा लगता है ना कि जैसे कुछ छूट गया हो। तो जब तक इनके दर्शन ना करूँ, इनको देखूँ ना, इनको निहारूँ ना, और इनके श्रृंगार सेवा ना हो पाए, तो ऐसा लगता है कि सब कुछ अधूरा है। तो इस तरीके से मैंने अपने ठाकुर जी अपनी राधा रानी को अपने उनके घर में विराजमान किया। तो आप देख सकते हैं मेरे ठाकुर जी राधा रानी कितने सुंदर कितने प्यारे लग रहे हैं अपने घर में विराजमान होके, एक अलग ही बहुत प्यारी सी मनमोहक उनके चेहरे पर मुस्कान थी। और उसके बाद शाम की हमारी पार्टी स्टार्ट हो गई थी, तो सब गेस्ट आने स्टार्ट हो गए थे। तो ये है आउटसाइड मेरे घर का व्यू, तो आप देख सकते हैं मैंने घर पे थोड़ी सी लाइटिंग और घर की साफ सजावट की हुई है, और यहाँ पे डिनर पार्टी चल रही है, सब लोग खाना मतलब मेरे गेस्ट का मैंने वेलकम करने के बाद सब ने जैसे मुझे गिफ्ट वगैरह दिए, तो उसके बाद डिनर हमने शुरू करवा दिया था। तो सब लोग डिनर कर रहे थे, क्योंकि मैं जब गेस्ट मिलने आ रहे थे तो मैं उस टाइम की वीडियो शूट नहीं कर पाई। आप सबको पता है कि बहुत बिजी होता है तब टाइम, और फिर वीडियो भी बनाना बहुत मुश्किल हो पाता है। तो ये मैंने एक अलग से बस मैं वीडियो कैप्चर की थी कि सब लोग डिनर कर रहे हैं, सब मेहमान जितने भी मेरे घर में आए थे, सब मेरे आस पड़ोस के लोग और कुछ गेस्ट कुछ रिलेटिव, सब ने अच्छे से डिनर किया। और ये है मेरी
चचिया साथ, मतलब ये कह लिया ये साथ मेरी अभी गुजरात में रहती है, तो उन्होंने मुझे बहुत प्यारा सा, मेरी सास ने बहुत प्यारा सा मेरा सुंदर सा गिफ्ट दिया था, तो उनसे वेट नहीं हो रहा था। वो बोल रहे थे मैं अभी श्वेता को ओपन करके दिखाऊंगी ये गिफ्ट, तो वो खुद ही गिफ्ट लाए और खुद ही ओपन करके मुझे गिफ्ट दिखाना चाह रहे थे। तो ये गिफ्ट इतना सुंदर था ना कि बस मन मोह हो गया मेरा इस गिफ्ट पे भी, क्योंकि कहते हैं ना मेरे घर में वृंदावन में सबसे ज़्यादा अगर मुझे कोई गिफ्ट मिले हैं तो सब ठाकुर जी राधा रानी के गिफ्ट मिले हैं। तो ये थे युगल सरकार की विग्रह और पीतल में ब्रास में था, बहुत हैवी भी है, बहुत सुंदर था ये गिफ्ट। तो बहुत प्यारा गिफ्ट दिया मेरी सास ने मुझे। और ये कुछ स्पेशल गिफ्ट्स जो सब लोगों ने दिए अभी मैंने ओपन नहीं किए, इनमें से सिर्फ जो मैंने ओपन किया था वो इतना प्यारा गिफ्ट मुझे मिला है। ये कह लिए जी लड्डू गोपाल मेरे घर में आए हैं और इतना सुंदर, कहते हैं ना बाके बिहारी जी खुद चल के अपने इस धाम में वृंदावन में विराजमान हुए हैं, तो क्योंकि उनको पता था इस घर का नाम मैंने वृंदावन रखा, तो जब घर का नाम वृंदावन हो तो बिहारी जी कैसे ना विराजमान हो। तो ये कह लीजिए कि जो मुझे कहते हैं ना गिफ्ट जो मिले हैं मुझे लड्डू गोपाल जी, बाकी बिहारी जी और लड्डू गोपाल जी के गिफ्ट मिले हैं। कुछ पेंटिंग्स वगैरह भी है, तो वो मुझे राधा किशन जी अपने ठाकुर जी राधा रानी की रिलेटेड पेंटिंग्स मिली है। मतलब सबने बहुत प्यारे प्यारे गिफ्ट दिए हैं, सभी बहुत सुंदर है। और उसके बाद सब गेस्ट के जाने के बाद, मतलब हमारे घर में कुछ रिलेटिव्स जो रह गए थे, खास खास रिलेटिव्स, तो हमने शाम को कुछ संगीत किया, मतलब संगीत क्या हमने अपने बिहारी जी ठाकुर जी राधा रानी के कुछ गीत गाए, तो हमने कुछ गीत गाना वगैरह करके थोड़ा को एंटरटेनमेंट किया था, तो इससे थोड़ा सा माहौल भी सुंदर हो गया था। अब लास्ट में मैं आपको दिखा रही हूँ अपने घर का व्यू, तो क्योंकि मैं आपने सबने मेरा घर में गृह प्रवेश मैंने कैसे किया, इनॉग्रेशन कैसे किया, पार्टी कैसे किया, तो उसके बीच चलते आपने मेरे घर नहीं देखा होगा, तो सबसे पहले मैं आपको घर दिखा देती हूँ। ये है मेरी प्यारी सी किचन, सामने ड्राइंग रूम, ये लॉबी हॉल एरिया, और इसके बाद दो बेडरूम है, स्टेयर्स है, और स्टेयर्स के ऊपर भी मेरे 3 बेडरूम्स है। तो बाकी का व्यू मैं जो भी घर की डिटेल्स होगी बाद में दिखाऊंगी जब थोड़ा सा घर का मेकओवर कर लूँगी। तो अभी के लिए तो इतना ही। तो आप सबको भी मेरा ठाकुर जी राधा रानी का घर कैसा लगा, ये वृंदावन धाम कैसा लगा, कमेंट करके प्लीज़ जरूर बताइएगा, और साथ में वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। और ये साथ में छोटी छोटी क्लिप्स है, छोटी छोटी पिक्चर्स है जो आप मैं सबको दिखाने वाली हूँ, मेरा प्यारा सा ठाकुर जी का धाम वृंदावन, और जो हमने गृह प्रवेश कैसे किया, अपने लड्डू जी अपने ठाकुर जी राधा रानी को विराजमान कैसे किया, और उसकी कुछ प्यारी प्यारी तस्वीरें हैं। साथ में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा आप सबको ये मेरे ठाकुर जी राधा रानी का गृह प्रवेश कैसा लगा और घर कैसा लगा और ये घर ये वीडियो कैसी लगी, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और साथ में चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। इसी के साथ मैं कहना चाहूँगी अगर आपको मेरे ठाकुर जी राधा रानी का ये स्पेशल श्रृंगार देखना है रेड ड्रेस में, तो आप मेरी किशोरी कृपा जी के चैनल में जाके ये स्पेशल श्रृंगार दर्शन भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ आप सबको मैं राधे राधे बोलती हूँ, हरे कृष्णा और हरि बोल, और मेरे चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर कीजिएगा। इसी के साथ बाय बाय।